Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शगुन ठीक नहीं है, आज उनकी आंखें फड़क रही हैं, इसलिए सफर मत करो। मगर मैं कह देती हूँ कि मैं उनकी गवार पाने की बातें बिल्कुल नहीं मानूंगी। तुम्हें तो खामखा बैर है माँ से, पहले पूछने तो दो क्यों बुलाया है। क्या है माँ? बेटा वो आज गांव से राय साहब की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? तुम तो जानते हो बेटा, तुम्हारा स्वर्गवासी पिता से कितनी दोस्ती थी उनकी, पर तुम लोग तो बरसों से गांव में हो। राय साहब रूपा को देखने के लिए कितने व्याकुल हैं। मैंने तो कई बार आना चाहा, पर रूपा की मम्मी जानती हूँ, उन्हें हमारे गाँव आना पसंद नहीं, उनकी मर्जी। आज रूपा को भेज दो मेरे साथ। अब अचानक कैसे हो सकेगा माँ, रूपा हमारे साथ शिमले जा रही है, सारी तैयारी हो चुकी है। जानती हूँ शंकर, और मैं अचानक हट भी नहीं करती, पर क्या करूं? चिट्ठी में राय साहब ने तेरे पिता की सौगंध दी है मुझे, तो मैं जरूर रूपा को साथ लाऊं। मुझे तो कोई एतराज नहीं माँ, लेकिन अपनी बुरी माँ का मन रख ले शंकर, बच्ची हर बरस पर जाती है अपनी मौसी घर, इस बार दादी के घर जाने दे। हाँ दादी, दादी माँ मुझे आंटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं, मम्मी से भी ज्यादा। अजी सुनते हो? कैसे आदमी हो जी, ट्रेन का वक्त हो रहा है
और आपने लॉन्ड्री से अपने सूट भी नहीं मंगवाए। आ जाएंगे, फौरन मंगवाता हूँ। तुम अपना मूड क्यों खराब करती हो? जरा मुस्कुरा कर देखो ना, सच तब ग्रेटा गार्बो का हुस्न भी फीका लगेगा तुम्हारे आगे। मैं समझ गई तुम्हारी चापलूसी का मतलब, माँ ने जरूर कोई अड़चन डाली होगी। नहीं नहीं कुछ नहीं, आखिर वो सास है तुम्हारी, उनकी बहू होने के नाते। वो नहीं आई थी मुझे बहू बनाने, उनका बस चलता तो वो किसी ध्यातन को अपनी बहू बनाती। माना कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है तुमसे, फिर भी शादी होने के बाद माँ ने तुम्हें दिल सपनाया है, माँ जैसा प्यार दिया है तुम्हें। सिफारिश छोड़िए, साफ साफ बताइए वो चाहती क्या है। आज आज वो रूपा को अपने साथ गांव ले जाना चाहती है। व्हाट, नामुमकिन। सुनो तो पिताजी तो चल बसे, माँ भी अब कितने दिन रहेंगे फरमाइश करने के लिए। रूपा नहीं जा सकती। मेरी बूढ़ी माँ का मन न तोड़ रखना, उसे जाने दो, एक महीने में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। एक महीना तो क्या, मैं एक दिन के लिए भी नहीं जाने दूंगी। मान ली जाओ डियर, प्लीज। बेकार की जिद मत करो। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, माँ का दिल टूटा तो बहुत दुख होगा मुझे, बहुत दुख होगा। क्या मेरा भी तुम्हें ख्याल नहीं, मुझे खुश नहीं देखना चाहती थी? ओफो, अब भला मेरी इस घर में क्या चलेगी, माँ बेटे जो मिल गए करो जो करना है, मगर मैं बताए देती हूँ अगर रूपा गंवार बनकर लौटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। हमारी घोड़ा गाड़ी क्यों नहीं है? राय साहब रोक दिन मकिन कहा लगे, हमार रूपा बिटिया आ रही है, ओका लावे खातिर हमार खास सवारी जाई। हाँ तुम सब अच्छे तो हो ना? सब आपकी कृपा है मालकन। दादी माँ, हमारा घर इतना अच्छा क्यों नहीं जैसे राय साहब की हवेली? देखा भाभी, हमारी लक्ष्मी ने गांव आते ही अपना घर पसंद कर लिया। राय साहब, आप यहाँ कैसे? आए बिना रहा नहीं गया भाभी, आंखें तरस रही थी अपनी गुड़िया को देखने के लिए। आह, कितनी सुंदर हो गई है। राय साहब के चरण छुओ बेटी। ना ना, चरण छूने की कोई जरूरत नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी। हम अपनी बिटिया को लेने खुद स्टेशन आने वाले थे, पर क्या करें, गुमाश्ता जी ने आने नहीं दिया। पूरे तीन को का सफर आपको कैसे करने देता सरकार? वैद्य जी ने बहुत ताकीद की थी कि आप 24 घंटे आराम करें। मूर्ख हो तुम सब, जरा सोचो तो भाभी, मुझे कब तक रोक सकेंगे ये लोग? जल्दी ही मुझे एक लंबा सफर करना है परलोक का। भगवान न करे,
कैसी बातें करते हैं आप? अभी तो रज्जू का सेहरा भी देखना है आपको। इसीलिए तो मैं भी अड़ा बैठा हूँ भाभी। जवान बेटा चल बसा, फिर भी मैं अड़ा हूँ। यमराज तो कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं, पर ये बूढ़ा भी ऐसा हठधर्म है कि उनके लिए द्वार खोलता ही नहीं। दादाजी, दादाजी, मैं परीक्षा में पास हो गया। शाबाश बेटे रज्जू। मैं जानता हूँ तुम किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकते। अरे तुमने इनको प्रणाम नहीं किया? जीते रहो बेटा। अच्छा बोलो, पास होने की खुशी में तुमको क्या चाहिए? आप जो भी दे दीजिए। तो मैं तुम्हारे लिए एक दुल्हन ना दूंगा। दादाजी मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। दादी माँ, ये हंसते कितना है? तुझे मेरी हंसी पसंद नहीं है बिटिया? आपकी हंसी अच्छी लगती है। बस तू आजा मेरे घर में, मैं अपनी इस चांद सी गुड़िया को देखकर मरते मरते भी हंस लूंगा रे पगली। अरे अब तो रूपा पूरे 15 साल की हो गई होगी। हमारा रज्जू भी 18 साल का हो गया है। भाभी चौधरी जैसा मित्र दूसरा पैदा नहीं होगा इस दुनिया में। मेरे लिए तो सगे भाई से बढ़कर थे तुम्हारे पति। उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना हमारा और तुम्हारा धर्म है। मैं तो मन से चाहती हूँ राय साहब। तो फिर रूपा के लौटने से पहले सगाई कर ही डालिए, ब्याह तब होगा जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे। पर राय साहब सगाई भी कैसे करें? रूपा के माता पिता माने तभी ना। माता पिता? अरे भाभी क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे सामने की तो बात है, शंकर ने अपने पिता को वचन दिया था ना कि वो रूपा का ब्याह रज्जू से ही करेगा। अब क्या वो अपने वचन से बदल जाएगा? उसकी ये मजल आए तो मेरे सामने। वो तो आपके सामने एक शब्द भी न बोलेगा। पर रूपा की माँ बहुत बोलती है क्या? जरा नए विचारों की है वो। शादी ब्याह तय करना बड़े बूढ़ों का अधिकार है भाभी। बहुत जल्द हमें तुम्हें भी जाना है चौधरी के पास। फिर जब वो पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी? यही कहोगी ना कि तुम्हारी इच्छा इसलिए पूरी न कर सकी कि बहू की इच्छा मुझे पूरी करनी थी। तुम्हें पति परमेश्वर तभी तक समझा जब तक तुम जिंदा थे। अब बहू परमेश्वर है। ऐसा न कहिए राय साहब, वही थे मेरे परमेश्वर और सदा वही रहेंगे। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सा प्रेम नगर नर नारी। ते पितु मातु कहौ सखी कैसे, दिन पठे बन बालक ऐसी। दादी माँ तुम तो कहती थी भगवान बड़ी ताकत वाले हैं। बेटी पर मैं कब से देख रही हूँ वो हिलते जुलते भी नहीं। भगवान की ताकत देखी नहीं जा सकती बेटी, पहचानी जाती है। कैसी पहचानते हैं? जब दुख घेर ले तब दुखी मनुष्य भगवान को पुकारता है और भगवान ही उसके दुख दूर करते हैं। सच्ची दादी माँ? हाँ हाँ बेटी। यानी माँ मुझे डांटती हैं तो भगवान को पुकारो तो डांटना छोड़ देंगे क्या? छोटे मोटे दुख के लिए भगवान को नहीं पुकारा जाता बेटी। जब जीवन में तुझ पे कोई बहुत बड़ा संकट आए तो देखना, वो जरूर तेरे संकट दूर करेंगे। Thank you.
यमराज द्वार तोड़कर आ धमके बड़ी खींचातानी मची और मैं भी रज्जू का सेहरा देखे बिना हाथ नहीं टेकूंगा। अच्छा हो जाए राय साहब, फिर देख लीजिएगा, अब आराम कीजिए। थोड़ी देर के बाद आराम ही आराम है भाभी, पर लोग पहुँच कर कूच करने से पहले ये आखिरी हंगामा भी देख लूं। बहू जी, पिताजी, दूल्हा दुल्हन को तैयार कराओ। पर राय साहब, भाभी जा रहा हूँ चौधरी के पास, तुम यहीं रहोगी, वो मेरी गर्दन पकड़ेंगे तो क्या जवाब दूंगा तुम्हारे परमेश्वर को कि तुमने शादी रोक दी। गुमाश्ता जी, चारों तरफ मुर्दनी क्यों छाई हुई है? अभी मैं जिंदा हूँ भाई, जिंदा हूँ। शहनाई बजाओ, शहनाई। आजा मेरी गुड़िया, आजा मेरी बहू, आ आ आ मेरी लाडो, इस घर की शोभा है तू, हमारे कुल की लाज। देखे नहीं तुम लोगों ने, दोनों की माहिर है। मेरी रूपा तो 2 साल पहले ही रंभा और संभा की माहिर हो चुकी थी, आजकल तो वो बैले डांस सीख रही है। बैले? ये तो पिछले साल सीख चुकी थी और स्कूल ने उसको पहले इनाम भी दिया था। बैले क्या होता है मम्मी? बैले एक ही साल में भूल गई। देखा बच्चा है, कहाँ तक याद रखे, और रोज उसको नए नए डांस सिखा दियो। मैं आपका तार आया था मम्मी। अंकल और आंटी को जैकन जेल सुना है। गुल्लू किसका तार है? माँ बहुत बीमार है, मुझे फौरन बुलाया है। फौरन? यही मौका मिला था उन्हें बीमार होने के लिए, साल में एक दफा तो आते हैं शिमला हॉलिडे के लिए। आप अपना हॉलिडे मनाइए, मैं अकेला चले जाऊंगा माँ के पास। सुनो दिए, अगर तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त करीब हो तो मुझे तार दे देना। क्या माँ बहुत बीमार है? बिल्कुल बीमार तो नहीं मालिक, दुखी है बहुत। कितना समझावा कि मरना जीना तो लगे रहा, और फिर कौन जवान मरे हैं जो इतना सो। हम कहा खुशी मनाओ मलकिन कि राय साहब मरे से पहले रूपा बिटिया के ब्याह तो देख गए। क्या क्या कहा? बुढ़ो बड़े कलियल रहे मालिक, जब रूपा बिटिया का बहू बना लिन तब दम छोड़िन।
ये चाचा माँ, रूपा के साथ ये अत्याचार क्यों किया तुमने? बैठ बेटा बैठ, आराम से बैठ, मैं सब कुछ बताती हूँ। हमसे विश्वासघात करने के बाद आप क्या सफाई पेश करोगी? तुम रूपा को चोरी चोरी ब्याहने के लिए ही अपने साथ लाई, हमसे छल करके लाई तुम उसे। कहने बेटा, जितना दोष मुझे देना है दिल, भगवान जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। मत बोल, तेरे पिताजी की मेरी इच्छा थी। मरते दम पुनः उन्हें वचन दिया था कि रूपा का ब्याह रज्जू से ही करेगा। वो सिर्फ उनका मन रखने के लिए, ताकि ताकि वो चैन से मर सके। मैंने भी सब कुछ इसीलिए किया बेटा, ताकि राय साहब शांति से प्राण सजे। मैंने सिर्फ दो बोल कहे थे, तुमने तो रूपा का जीवन नष्ट कर दिया। इस उम्र में उसका ब्याह करने के बजाय तुमने उसका गला घोंट दिया, होता अच्छा था। शंकर, एक बूढ़े की जिद पे तुमने रूपा की बलि चढ़ा दी माँ। मिटती जिंदगी के लिए उभरती जिंदगी को मिटा के रख दिया तुमने। बेटा ऐसा न कहे, रज्जू बड़ा होनहार लड़का है, धन दौलत सब कुछ है उसके घर में, रूपा वहां बड़ी सुखी रहेगी। रूपा कोई गंवार लड़की नहीं जिसे सिर्फ धन दौलत सुखी रख सके। पढ़ा लिखा कर हम उसे क्या ना बनाना चाहते थे, तुम क्या जानो कितने मंसूबे बांधे थे उसके लिए। पर तुमने, अब मैं क्या जवाब दूंगा रूपा की माँ को? वरना ये रिश्ता बुरा नहीं है बेटा। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं तुमसे बहस करूं, वापस लौटना है मुझे। रूपा कहाँ है? रूपा, उसे कुछ न कहना शंकर, कुछ न कहना, जो उसके भाग्य में लिखा था वही हुआ। रूपा, जरा चल के तो देख बेटा तेरा दामाद कितना भला। रूपा, अभी और ऊपर कहा, अपने अरमानों के अर्थी साथ ले जा रहा हूँ माँ। शंकर, शंकर, तू शंकर, रुक जा शंकर, तेरे हाथ छोड़ दूँ शंकर, सारा पुराना भूल जा शंकर, उन लोगों से मिले बिना मत जा, अब वो समझी है तेरे। शंकर, शंकर माँ के बात मान ले बेटा, उन लोगों से बिगाड़ना ठीक नहीं, रूपा के भविष्य का ख्याल कर शंकर, रूपा के भविष्य का ख्याल कर शंकर। फौरन वहां से चल पड़ी। इज एनीथिंग रॉन्ग? बोलो ना। ओह पुअर डियर, आई एम सो सॉरी। जिंदगी में भले हमारी ना बनी हो, मगर आखिर वो मेरी सास थी। मरने के बाद तो मुझे रंज होगा ही। क्या करती हो मां, अच्छी भली है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मेरा हॉलिडे क्यों खराब किया? ओह समझी, जरूर मां ने भड़का कर भेजा होगा कि जब तुम यहां हो तो तुम्हारी पत्नी अपनी बहन के पास क्यों रहे, यही ना? वो बात नहीं। तो फिर क्या बात है, चुप क्यों हो? कहीं कहीं रूपा की तबीयत कैसी है? वो उसे साथ क्यों नहीं लाए? लाया। कहां है वो? उधर है। इसकी मांग में सिंदूर? गांव में उसका ब्याह हो चुका है। किसने किया है ये ब्याह?
तुम्हारी माँ ने उसकी ये बजाई, मैं मुंह नोच लूंगी उसका। अब भड़कने से क्या होगा रत्ना, इस ब्याह का नाम और निशान मिटा कर रख दूंगी। ये चूड़ियां सुलग रही है मेरी आंखों में, इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मेरी मांग का ये सिंदूर खून है मेरी उम्मीदों का, इसे सदा के लिए मिटा दूंगी, सदा के लिए, सदा के लिए। मम्मी दुखता है, मम्मी दुखता है। रूपा की मांग का सिंदूर तो मिटा दिया तुमने, इसके माथे का लिखा भी मिटा सकोगी क्या? इंसान अपना नसीब खुद बनाता है। लेकिन जो हो चुका उसे मिटा नहीं सकता, रूपा ब्याहता है। What nonsense! एक बच्ची ब्याहता, तुम्हें ये सोचते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अग्नि को साक्षी मान के हुआ था इसका ब्याह, इस पवित्र बंधन को दुनिया मानती है। माना करे, रूपा वही मानेगी जो मैं चाहती हूँ। जब तक ना समझ है तभी तक ना, कौन जाने बड़ी होने के बाद ये तुम्हें मानेगी या दुनिया को। तब तक दुनिया भी बदल चुकी होगी। दुनिया पहले भी बदलती रही है रत्ना, पर हमारे संस्कार नहीं बदले, सदियों पुराने संस्कार है ये। दुनिया सदा से इन्हें मानती आई है और मानती रहेगी। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उसके लिए एक नई दुनिया बसाऊंगी। ना घमंड ना करो रत्ना, इस देश में रहकर तो नहीं बसा सकोगी। बेन साहब, क्या है एल्थन? कोई आपसे मिलने आई। कौन है आप? आप हैं रज्जू बाबू और आप इनकी माता जी। पिताजी का श्राद्ध है, हम अपनी बहू को लेने आए हैं। बहू? मेरी बेटी के लिए ये नाम फिर कभी ना आए तुम्हारी जबान पर, वो तुम्हारी कोई नहीं। अपना क्रोध मिटा दीजिए, विनती है आपसे। बहू श्राद्ध में न गई तो पिताजी की आत्मा को चैन न मिलेगा। न मिले, जिस बूढ़े ने मेरी बेटी पर अत्याचार किया है झुलसने दो उसे नर्क में। मिसेस चौधरी है मेरा नाम, गंवार लोगों से मेरा कोई भी नाता नहीं हो सकता। मेरा चाहे जितना अपमान कर लीजिए, लेकिन उस पवित्र बंधन से इनकार मत कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम उसे रानी बनाकर रखेंगे। भेज दीजिए हमारे साथ। कभी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारा जाहिल दिमाग उसे कुंवारी नहीं मान सकता तो समझ लो कि रूपा विधवा। मत कोसो मेरे बच्चे को, मत कोसो। तुम भी मां हो, एक मां होकर इतनी कठोर हो सकती हो? मेरी बच्ची के साथ जुल्म करने वालों पर मैं कितना कठोर हो सकती हूँ ये जानना चाहती हो? दो पल और रुको मेरी नजरों के सामने, गांव लौटने के का हवालात में जाओगी। चलो। बेटी, क्या ठीक है क्या गलत, ये बातें बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। बड़े होने के बाद पता चलता है माँ बाप ने ठीक सिखाया या गलत। वो कैसे दादी? माँ बाप ठीक राह पर डालें तो औलाद के जीवन में एक संतोष रहता है। बेटी, अगर तुम कभी अपना चैन खो बैठो तो सबका कहना भूल के अपनी राह खुद ढूंढ लेना। बेटी रूपा, चलो डांस का टाइम हो गया, चलो ना। ta 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 ta
ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान मत जा मत जा मत जा मेरे बचपन दादा बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान ये रुतमत वाली आई है मेरे आंगन रहते हैं खिचे से नैना रूठा रहता है मन जब से ये रुतमत वाली आई है मेरे आंगन रहते हैं खिचे से नैना रूठा रहता है मन अपने रूठे मन को मैं लेकर जाऊं कहां बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान मत जा मत जा मेरे बचपन दादा बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान तू चढ़ गई निंदिया और भोर तलक में जागी ये कैसी मीठी अग्नि जो मेरे तन में लागी कल रात तू चढ़ गई निंदिया और भोर तलक में जागी ये कैसी मीठी अग्नि जो मेरे तन में लागी कर दे न मुझे पागल मेरे नटखट अरमा बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान मत जा मत जा मत जा मेरे बचपन दादा बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान सबसे छुपती फिरूं कोई भी नहीं है ऐसा हाल अपना जिससे कहूं क्यों लाज लगे है सबसे क्यों सबसे छुपती फिरूं कोई भी नहीं है ऐसा हाल अपना जिससे कहूं नादान मेरे देखो सबको समझो नादान बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान मत जा मत जा मत जा मेरे बचपन दादा बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान मत जा मत जा मत जा किंग क्लब में मेरे बाद तुम्हें पर नजर पड़ेगी ना होगी थैंक यू टाइगर दीदी कुछ समझी कुत्ता क्यों भौंका ओ नो ओ यस उस चिड़ी के गुलाम का इतना जोरदार स्वागत हमेशा कुत्ते ही करते हैं यकीन नहीं आता तो देख लो बाद बा मुलाहिजा होशियार हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग परसों ही कहा तुम्हें बंबई छोड़ा अचानक यहाँ कैसे यहाँ इस दुनिया में हम अचानक आए थे तब से हर काम अचानक करते हैं ओह यंग लेडी आई एम सैम कूपर मलाइज से लौटने के बाद शाम कपूर से सैम कूपर भी अचानक बने हैं ये ओह आई सी रोम पेरिस सब घूम चुके हैं आप यस ओह
यूरोप के किस्से इनसे बाद में सुन लेना, अब चलो ना, किंग के लिए देर हो रही है। नहीं जी, तुम लोग जाओ, हमारे क्लब का चैरिटी शो होने वाला है ना, मुझे उसके इंतजाम के लिए जाना है। ओ, आप भी चलिए ना मैडम, मैं आपको कमाल दिखाऊंगा, कमाल। You know one thing, when I was in Europe, I mean Geneva, मैं एक पैर उठाकर सिर्फ एक पैर पर स्कीन करता था। इस तरह जो लोग देख रही मिस्टर सैम कूपर स्विट्जरलैंड के चैंपियन। उठाइए मुझे, उठाइए मिस्टर कूपर, सॉरी सॉरी, ओके ओके, आर यू ऑलराइट, थैंक यू। हाँ तो मिस्टर कूपर, अब आप हमें भी अपना कमाल दिखा दीजिए। दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। आप तो डर रहे हैं, छोड़िए मुझे, क्या बात करते हैं, आई एम बॉर्न हिम्मती। यू आर राइट, वन यस टू यस। चलिए चलिए, वन टू, चलिए चलिए, वन टू थ्री फोर, सभी बचाओ मुझे, आई विल फॉल, बचाओ, अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो आपको ऐसा कमाल दिखाने वाला था, ऐसा कमाल दिखाने वाला था। बात यह है, दरअसल हिंदुस्तानी बर्फ स्कीइंग के काबिल नहीं है, ये देसी माल है, कच्चा माल है, हैव अ लुक। अच्छा जरा देखो तो कितना कच्चा है, जानबूझकर टकराए हो तुम मुझसे। ए मैम साहब, मर्द बच्चे सिर्फ मर्दों से ही टकराया करते हैं, हसीनों से तो। शट अप। ओहो, बातचीत हिंदुस्तानी में लेकिन गुस्सा अंग्रेजी में, ये तो बताइए प्रेम किस जबान में करेंगी आप, मैं सीख लूंगा। यू मैं क्लब वालों से तुम्हारी शिकायत करूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्रीतम, साजन, जो नाम पसंद हो बस उसी नाम से पुकार लीजिए। आई से शट अप, सीधी तरह चले जाओ मेरे सामने से, वरना मैं। दे दीजिए, चला जाऊंगा। क्या? जी हाँ, अपनी ही चीज मांग रहा हूँ, मेरा चश्मा, ये रहा आपका चश्मा। रूपा 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 रूपा, क्या वो रूपा? हाँ। कम चोट तो नहीं आई? मेरा मतलब है ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, इस शख्स ने जानबूझ के गिराया है मुझे। दिस फेलो, पूरी मरम्मत करो इसकी। हाँ हाँ, ये फेलो, कम यार, कम यार, कहाँ जाते हो, इधर आओ, जरा मुझे गुस्सा ठीक से आने दो, फिर बताता हूँ। बताओगे? जरूर बताऊंगा। क्या बताओगे? हॉरोस्कोप। क्या? मेरा मतलब है मेरी जन्म कुंडली, उसमें लिखा है मुझे गुस्सा बड़ी मुश्किल से आता है। आपके लिए झगड़ना नहीं, सिर्फ भौंकना जानते हैं ये। इनके गले में पट्टा बांध के रस्सी अपने हाथ में रखा कीजिए। व्हाट डज यू थिंक, आई एम ए पहाड़ी कुत्ता?
और क्या? हाय ब्यूटीफुल, हरी नजाकत बर्फ में भी लू लग गई गोरी, गातम तुम्हारे हैं कश्मीरी स्टेट की तरह। हाय मेरी जान, अगर मैं लड़का होती प्लीज सुनिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे चैरिटी शो का चंदा जमा हुआ कुछ? रुपया बरस रहा है रुपया, जहाँ भी जाती हूँ लोग बिल पहले देते हैं और चंदा बाद। छोड़ इन बात, सुन प्रोग्राम वाले दिन स्टेज पर तुझे भी अपने जलवे दिखाने होंगे। ना बाबा ना, तू ही जाके दिखाना अपने जलवे, मैं नहीं आऊंगी स्टेज पर। स्टेज पर क्या कहा? नहीं आऊंगी। उस्तादों का हुक्म जा रही है। रूपा बेटी, रूपा बेटी, तुम्हारी माँ का खत आया है आज। क्या लिखा है आंटी, कब आ रही है वो? वो तो नहीं आ रही है। हाँ अलबत्ता तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन से पहले बंबई बुलाया है। मैंने तो कुछ दिनों में गुल हो जाएगी। अरे अभी तक हम दोनों ने शिमले को पूरी तरह रोंदा ही नहीं, चल कल से ही रोंदते। चल गुल्लू की सीटी अब वो छिप चुका होगा, चलो हम सब ढूंढते हैं। गुड आइडिया रूपा, हम दोनों गुल्लू को साथ साथ ढूंढे। नहीं सब अलग अलग ढूंढेंगे। ओके कपी लगेगी मुझे। कप कपी, कप कपी, अगर कप कपी लगे तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? डोंट यू नो, या तो आग तापते हैं या कंबल उड़कर बैठ जाते हैं। ओहो, नहीं तो बरांडी पी के बरांडे में सो जाते हैं। अच्छा यस इडियट। अरे बिगड़ क्यों गई? नहीं कहा था मैंने। दूर रहना पसंद नहीं, कहो तो और करीब आ जाऊं। मैं आपको नहीं किसी और को ढूंढने आई थी। लेकिन खींच आई हम तक। हाथ छोड़िए मेरा। ऐसी जल्दी भी क्या है हुजूर, भरोसे वाला हाथ है, जन्म जन्मांतर के लिए थम सकती हैं आप इसे। ऐसे शट अप, मुझे आपसे बात करना भी गवारा नहीं। ऐसे जवानी भी किस काम की सरकार, जिसका भार आप खुद न संभाल सके। यू यू नहीं, थैंक यू कहिए, जान बचाई है मैंने आपकी। किसने कहा था मेरी जान बचाने के लिए? बचानी ही पड़ी, आपको अपनी जान प्यारी, न से ही मुझे अपनी जान प्यारी। क्या मतलब? आप ही तो हैं मेरी जान। लोफर। नमगुड़ा मोड़ के जाओ, बहारों के दिन है, हमें गले से लगाओ, बहारों के दिन है। जवानी आग का तूफान है सहना पाओगी, जवानी आग का तूफान है सहना।
हमारे अकेली भी रहना पाओगी, बिना हमारे अकेली भी रहना पाओगी। हमें सहारा बनाओ, बहारों के दिन है, हमें गले से लगाओ, बहारों के दिन है। नमकड़ा मोड़ के जाओ, बहारों के दिन है। जन्म का ये साथी तुम्हें पे मरता है, जन्म जन्म का ये साथी तुम्हें पे मरता है। हर एक सांस में तुमको ही याद करता है, हर एक सांस में तुमको ही याद करता है। नमकड़ा मोड़ के जाओ, बहारों के दिन है। तो आप ताब रहे, जरा तो होश में आओ, बहारों के दिन है, हमें गले से लगाओ, बहारों के दिन है। नमकड़ा मोड़ के जाओ, बहारों के दिन है, हमें गले से लगाओ, बहारों के दिन है। नमकड़ा मोड़ के जाओ, बहारों के दिन है। सोनिया, तू चंदा लेने जा रही है या किसी का दिल? मेरी जान, तू एक लंदन पलट कार्टून साथ में लाई है ना, चल मेरे गुलफाम को भी देख। जालिम लखपति है लखपति, इसलिए तो सारी दिल लगी छोड़कर दिल लगाना ही पड़ा। चलो ना। हेलो, जब से ये रुतमत वाली आई है मेरे आंगन, रहते हैं खिचे से नैना, रूठा रहता है मन। जब से ये रुतमत वाली आई है मेरे आंगन, रहते हैं खिचे से नैना, रूठा रहता है मन। अपने रूठे मन को मैं लेकर जाऊं कहां, बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान। मत जा मत जा मत जा मेरे बचपन नादा, बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान। मालूम होता है तुम दोनों आंख में चोली खेल चुके हो। जी भला इन्हें कौन नहीं जानता, कितना उम्दा गाती है ये, मुझे तो इश्क हो गया। क्या इनके गाने से? ए मिस्टर, इश्क गाने से ही रहे, एक तलवार दो म्यान में नहीं रह सकती, समझे आप? तुम बेकार शक कर रही हो सोनिया, मुझे तो तुम्हारी ये लंदन पलट एक आंख भी नहीं भाती। भाएंगे, हमें एक आंख से देखिए तो एक बार। बड़े बदतमीज़ हैं ये। मत छेड़ो, कच्ची है अभी, मेरी तरह स्पोर्टी नहीं। चलो चलो निकालो पर्स। क्यों? आज रात को एक चैरिटी शो होने वाला है, टिकट खरीदो और चंदा भी दो। कितना दो? जितना आपका जी चाहे, मुझसे क्या पूछते हैं? पूरे 100 रुपए। शो में क्या क्या होगा? हम होंगे, इतना काफी नहीं है क्या? है,
दर्द सर के लिए। रूपा मेनका के रूप में नाचेगी भी। अच्छा तो आप नाच भी लेती हैं। मेरा ख्याल था कि आप सिर्फ लोगों को नचाना ही जानती हैं। खास तौर पे आपको नचा के बड़ी खुशी होगी मुझे। हाथ में डमरू लेके। हाथ में क्या लेके? मिली 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 मिली, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिली। वो भी छोटी थी, जो लंबी थी ना बिल्कुल काली थी, और उसके बाल भी घुंघराले रही थे। बस ये मिली। क्या बोलते हो, क्या मिली? दाढ़ी कूपर। ये मिस्टर कपूर मेनका के डांसर विश्वामित्र बने। लेकिन कैसे बनेंगे? ये तो विश्वामित्र की नहीं किसी राक्षस की दाढ़ी मालूम पड़ती है। मैं क्या करता, क्रिसमस का टाइम है ना, शिमले में जितनी अच्छी दाढ़ियां थी सब सेंटा क्लॉज बनने भाग गई। विश्वामित्र बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। मिस्टर कपूर। यस कॉमरे। आपका शो कब होगा? शाम को 7 बजे। ऐसी मिस्टर कपूर, आपके लिए मैं एक फर्स्ट क्लास दाढ़ी का इंतजाम कर सकता हूँ। शाम को 5 बजे आप आ सकते हैं? आ सकते हैं, आप कहें तो हम जाते ही नहीं। इतनी सुंदर मेनका है, अगर आज विश्वामित्र 19 रह गया तो मजा नहीं आएगा। आज साहब आज 21 रहेगा विश्वामित्र। चलो सोनिया, और चंदा नहीं जमा करना क्या? चलो भाई चलो लड़कियों, विश्वामित्र जी। ओके कॉमरेड, जय हिंद। मेरी ताली मत भूलना। शो में जरूर आना। बाय बाय।
हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम। ये स्टेज है स्टेज, डांस जारी रखो डांस जारी रखो। है मिलन की दिन है मिलन की। मैं पूछती हूँ श्याम कपूर कहाँ है? अभी तक स्वर्ग में होगा। फोटो आपके पास कैसे आया? बंबई में खींचा था मैंने। बंबई में? वहां तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। पर मैंने अक्सर देखा है आपको। कैसे? चकोर की तरह दूर से। मैं आपको कोर्ट वापस करने आई थी। सिर्फ कोर्ट वापस करने? हाँ। और कुछ नहीं? नहीं, मैं चलूं। तेरी, अभी तो जी भर के मैंने आपको देखा भी नहीं। मुझे जाने दीजिए। नहीं चाहता कि मैं आपको देखूं, तो अपना फोटो भी साथ लेती जाइए। आप चाहते हैं कि मैं उसे ले जाऊं? मैं क्या चाहता हूं, इसकी परवाह है आपको? चुप क्यों हो? बोलो ना, कहो कि तुम्हें परवाह नहीं।
आज आखिरी बार कह दो रूपा कि तुम्हें मुझसे नफरत है, तुम्हारी कसम फिर कभी तंग ना करूंगा तुम्हें। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है ना, सच मानो रूपा, आज तक तुम्हारे सिवा किसी दूसरी लड़की से छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ तुमसे। हाँ रूपा, तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आकर इतना ही अरमान है। अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आकर इतना ही अरमान है। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी। जाएगी तुझे
देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी और खता क्या। तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी और खता क्या। तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी और खता क्या। बम्बई में मुलाकात होगी, 5 फरवरी मेरा जन्मदिन है, आइएगा जरूर। आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, याद है मैंने कहा था रूपा वही मानेगी जो मैं चाहूंगी, मैं उसके लिए एक नई दुनिया बसाऊंगी। अब मुझे आशीर्वाद दो, कोई अच्छा सा लड़का देखकर जल्दी उसकी शादी तय कर दो, तो मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। रूपा, यू लुक रैविशिंग टुडे। थैंक यू। तुम शिमले क्या गई, बंबई की सारी रौनक चली गई। रूपा जिसके घर की रौनक बनेगी कितना कुछ नसीब होगा वो नौजवान। अच्छा, निगाहें किसे ढूंढ रही है उधर, उसी नसीबर को। How lucky I am. कितना समझदार स्टूल है, हमें हुस्न के कदमों में ला डाला। फ्रेंड्स, फोर्स, जरा देखो रूपा के जन्मदिन पर सैम कूपर का तोहफा देखो, तुम सबके तोहफे वॉश आउट कर दूंगा। मैंने कहा भाई साहब ये तोहफा है और नहीं तो क्या सोफा है। रूपा इसे संभाल के रखना, इसमें मेरा नन्ना सा दिल है। ये तो किसी हाथी का दिल मालूम होता है। हाथी का? रूपा आई मम्मी। रूपा मेरा दिल, बैठ जाइए थाम के। फूको, अरे किसका इंतजार कर रही हो, फूको ना। फूको देने आए थे और केक खाने ये पहुंच गया, बताता हूं अभी, वॉच मी। मम्मी आप ही हैं मिस्टर अशोक। नमस्ते। माफ करना लेडीज, ये इशारा जनाब के लिए था।
ये अपना असली रूप है मिस्टर, बंबई कब पहुंचे? आज ही। तब तो अभी तक ये नहीं जान पाए होगे कि बंबई का सबसे बड़ा दादा कौन है। दादा? हाँ दादा, यहाँ की जुबान में गुंडों का सरदार। अच्छा अच्छा, तो इस वक्त तो आप ही नजर आते हैं। वेरी गुड, कमाल की नजर रखते हो, पहचान गए? जी हाँ थोड़ा बहुत। तो फिर पूरी तरह से पहचान लो, कल शाम को मेरे पड़ोसी ने मेरे कंपाउंड में केले का छिलका फेंक दिया था। अच्छा अच्छा। सुबह तक उसकी लाश भांडुप में पाई गई। भांडुप? हाँ भांडुप, बंबई से 20 मील दूर। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट देता हूँ, बंबई छोड़ के सीधे खसक जाओ, वरना सुबह तक तुम भी चिंच पोखली में पाए जाओ। अच्छा, अरे बाप रे, क्या करते हो? कोई देख लेगा, बातचीत के लिए जुबान चलाओ ना, हाथ पैर क्यों चला दो? इसलिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन मैं भूत कहूँ भैया? मैं तो लवर हूँ, ग्रेसफुल आदमी हूँ। हमारी सोसाइटी में सिर्फ डांस के लिए हाथ पैर चलाते हैं, मारपीट क्यों? आओ डांस करें। मुझे डांस नहीं आता। अरे वेरी गुड, अटेंशन फर्स्ट, अटेंशन, हंसों की महफिल में एक कौवे साहब तशरीफ लाए, भाई साहब को डांस करना नहीं आता। लेकिन आप देखने में बड़े मॉडर्न नजर आते हैं। मॉडर्न होने के लिए डांस जाना जरूरी नहीं। मिस रूपा, इनके स्वागत के लिए आपको सत्यनारायण की कथा करानी थी, हमारी सोसाइटी में क्यों बुला लिया? मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या या इप या 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 इप इप या या या। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या या इप इप या 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 इप इप या। सरकार की अदा होए बागपन तेरा, प्यार की अदा होश ले गई। सरकार की अदा दिलदार बन गई, दिलदार बन के गले का हार बन गई। या या इप इप या या या। आगे
से मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। झुकी नजर इकरार बन गई, इकरार बन के गले का हार बन गई। पूछते हो बड़े भापा जी, तड़पत बीते दिन रैन, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी हालत बिगड़ गई, मेरी माशुका कहीं और तपड़ गई। टाइगर, आज सोनिया से मिलने से पहले उससे ही गले मिलकर प्रपुत्रा बहा लूं। सैम! अरे सोनिया! नॉटी, तुम दिहाड़ी धावा बोलना ठीक नहीं। क्या इसलिए शिमला आए हो? हिमालय के छांव तले लौटा हूँ, इस दिल पे सतपुड़ा पहाड़ का बोझ लिए। मेरी मदद करो सोनिया।
अपने चरण बंबई की ओर बढ़ाओ। तुम्हारा प्यारा मेरी प्यारी से प्यार बघारने लगा है आजकल। मेरा प्यारा? यू मीन अशोक? अशोक का आप भूल जाओ, अब तो शोक ही शोक है, दुख ही दुख। मेरा मतलब है अब वो रूपा का अशोक है। मैं ये कभी ना होने दूंगी। मामी सुना, तुम्हारी भांजी रूपा वहाँ क्या गुल खिला रही है? मैं जानती हूँ किस लिए, अशोक की दौलत के लिए। मामी मुझे अशोक की दौलत से कोई मोह नहीं, मुझे तो उस दौलतमंद से प्यार है, सिर्फ उस दौलत। रूपा तुम्हारा प्यार बर्बाद नहीं कर सकती सोनिया। अशोक से तो क्या, वो किसी से ब्याह नहीं कर सकती, किसी से नहीं। बस क्या हुआ? इस तरह मत देखा करो मुझे, वरना डगमगा जाऊंगी। तो मैं संभाल लूंगा। कैसे? इन बाहों में। तब संभलना कैसा? तब तो शायद हम दोनों ही डगमगा जाए। लेकिन मुझे भरोसा है अपने आप पे। बड़े नटखट हो। क्यों, क्या किया? खुद अपना भरोसा तो लिए बैठे हो और मेरा भरोसा छीन लिया मुझसे। तुम्हारा भरोसा छीनना नहीं, उसे बचाओ, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जबरदस्ती काम करता है इस बेचारी को, बेचारी का साला, इस माजी भाई को, मेरा पत्नी। तुम्हारा पति है क्या? मैं हाँ, मेरा पति। मेरा भागना मांगती है। किसी ने भी उस जालिम को नहीं रोका अशोक, तुमने भी नहीं। समाज का यही दस्तूर है रूपा, एक बार पति पत्नी बन गए तो यमराज ही तोड़ सकता है वो नाता, जीवन में उनके बीच कोई भी नहीं आ सकता। अशोक कितने पुराने ख्यालात के हो तुम? ये अपने नहीं रूपा, जमाने के ख्यालात, समाज के ख्यालात बता रहा था मैं। और तुम्हारे ख्यालात? उन पे तो रात दिन तुम छाई रहते हो रूपा। सचमुच? हाँ रूपा, दिन रात मुझे सिर्फ एक ही ख्याल रहता है, ये उजली से मांग कब सिंदूर से भर सकूंगा। अशोक बात करना चाहती हूँ। पहले मुझे कहने दो, फिर तेरे से मिलूंगी। ये बहरी मन जिसके लिए तड़पता है, आज उसने मुझे चांद दिखाया हथेली से, सपने दिखाई दी आने वाली सुनहरी जिंदगी के। मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं वो? बड़े सुनहरे सपने देखने लग गई हो आजकल। दुल्हन बनाने की बात भी सपने में की होगी। चल तू क्या जाने मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किसका जिक्र कर रही हो। अशोक तुझे नहीं, मुझे अपनी दुल्हन बनाएगा। लेकिन
लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो सोनिया, अशोक को तुमसे कभी मोहब्बत नहीं थी। बको मत। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं अशोक से प्यार करती, फिर भी तुमने डोरे डाले। अब बहाने बनाती हो कि अशोक को मुझसे मोहब्बत नहीं थी। यहाँ से शाम कूपर को लेकर तुम शिमला पहुंचे, वहां से अशोक को घसीटे तुम बॉम्बे आ पहुंचे। इसी चाल चलने पर नाच है सोनिया। बड़े तेवर दिखा रही हो, मगर याद रखो अशोक कोई बेवकूफ नहीं, वो सब समझता है। वो क्या ब्याह करेगा तुझे। हेलो, मैं रूपा। रूपा, मुझे तुमसे शादी करना मंजूर है अशोक। रूपा, तुम इतनी जल्दी मान जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था। जल्दी मांगनी था। सोनिया, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम ना आती तो रूपा इतनी जल्द शादी का फैसला ना कर पाती। बड़ा एहसान किया है मुझ पर। रूपा, मैं आज बहुत ही खुश हूं बेटी, बहुत ही खुश। अभी मैं जाकर अशोक से तुम्हारी मंगनी की तारीख तय करती हूं। सोनिया, इसकी मंगनी तक तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। डूब मरना चाहिए तुम्हें। अगर कोई कुंवारी लड़की ये गुल खिलाती तो समझ भी सकते थे, लेकिन एक ब्याहता औरत, दुनिया ठोकेगी तुझे। बहुत परेशान हूँ मैं। परेशान है गुस्सा या हिजाब, तुम्हारी हर अदा कयामत है। अशोक, कुछ हो चुका है मेरी जिंदगी में। प्यार हुआ है मुझसे और मुझे तुमसे। सुनो तो। इस वक्त मुझे सुना लो। मेरी आत्मा झूम रही है तुम्हारे प्यार में रच के। झूमने की बातें करो रूपा, झूमाने की बातें करो। मगर ऐ चांद की ज़ेबाई, तू झूल जबाहों में, मत होश बहारे भी लेने लगी अंगड़ाई। ऐ चांद की ज़ेबाई, तू झूल जबाहों में, मत होश बहारे भी लेने लगी अंगड़ाई। है चांद की ज़ेबाई, जलने दे मेरे दिल को रुखसार के शोलों में, जलने दे मेरे दिल को रुखसार के शोलों में। आता है नशा हमदम मौजों के झकोलों में, पागल की ये देती है महकी हुई तन्हाई, मदहोश बहारें भी लेने लगी अंगड़ाई। ऐ चांद की ज़ेबाई, बचा मुझसे दामन से लिपटने दे, दामन न बचा मुझसे दामन से लिपटने दे। आंचल की ये
दीवारें गिरती है तो गिरने दे, जूड़ा जो खुला तेरा खुशबू सी चली आई, मदहोश बहारे भी लेने लगी अंगड़ाई, है चांद किसे भाई। हाथ को थामा है वो हाथ न छोड़ूंगा, जिस हाथ को थामा है वो हाथ न छोड़ूंगा, कितने भी जन्म ले लो मैं साथ न छोड़ूंगा, सदियों से मैं तेरा हूँ ऐ जान तमन्नाई, मदहोश बहारे भी लेने लगी अंगड़ाई, ऐ चांद किसे बाई, तू झूल जा बाहों में, मदहोश बहारे भी लेने लगी अंगड़ाई, ऐ चांद किसे बाई। यस मैनेजर, गुड मॉर्निंग। सुनो, वो एल्बर्ट से आज शाम का अपॉइंटमेंट कर लेना, हाँ, और रे एंड रे कंपनी को सॉलिसिटर की नोटिस भिजवा देना। हाँ नहीं नहीं आज ही। और हाँ सुनो, वो पॉल साहब को खबर कर देना कि आज मुझे उनसे मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, वो कल मुझसे जरूर मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू। खबर आ गई मुझे देखकर? नहीं, कुछ ताज्जुब सा हुआ। पूछा भी नहीं मैं कैसी हूँ। सोच रहा हूँ कि तुम शिमले का इतना अच्छा माहौल छोड़कर बम्बई क्या करने चली आई। तुम्हारी याद खींच लाई है डारे। बैठो। जितना मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ उतना ही तुम मुझसे दूर भागते। जल्द ही तुम मेरे बहुत करीब आ जाओगी सोनिया, घबराओ नहीं। अच्छा? हाँ, तुम रूपा की बहन हो और मैं रूपा से शादी करने जा रहा हूँ, बस हो जाएंगे हम तुम रिश्तेदार बहुत नजदीक के। आई एम वेरी वेरी सॉरी मिस्टर अशोक, तुम्हारे साथ मेरा इस तरह का रिश्ता होने की कोई गुंजाइश नहीं। क्या? इसलिए कि तुम जिसे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो वो ब्याहता है। ब्याहता? ये शादी हुई कब, किसके साथ हुई? उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी और उसका पति अभी तक जिंदा है। यस, ओहो। लगता है बड़े सोच में पड़ गए हो। कुछ अजीब सा लग रहा है सोनिया, तुम्हारे जैसी तरक्की पसंद लड़की एकाएक बचपन की शादी को ही सब कुछ समझ ले। शादी शादी है अशोक, चाहे बचपन में हुई हो या बड़े होकर। शादी दिलों का मिलाप है सोनिया, जब आपस में प्यार ना हो, एक दूसरे के लिए दिल में तड़प ना हो, ऐसी शादी को मैं शादी नहीं मानता। लेकिन एक दिन तुम खुद होश में आ जाओगे अशोक, उस वक्त पता चलेगा। अच्छा, उस दिन फिर मुलाकात होगी। कलयुग है घोर कलयुग। क्या बात है मास्टर जी? बंबई से किसी की चिट्ठी आई है,
लिखा है रज्जू बाबू की पत्नी दूसरा ब्याह करने वाली हो। दूसरा ब्याह? मालकिन को पता चाहिए? नहीं, मालकिन को कभी न बताना, वैसे ही वो बीमार है, बहुत दुख होगा उन्हें। रज्जू बाबू को खबर करते हैं, जो वो हुक्म देंगे वही करेंगे। Congratulations in advance. Thank you. Hello. हमें भी गुरु मंत्र सिखा दो मिस्टर अशोक। बरसों से हम लोग आंख लगाए बैठे थे और आप आते ही बाजी मार लेंगे। मोहन भाई, कहाँ है तुम्हारी होने वाली? रेडियो पे उनकी सुरीली आवाज तो कई बार सुन चुका हूँ, आज दर्शन भी कर लो। बड़े मोटे कलम से तकदीर लिखवा कर लाए हो दोस्त। इनसे मिलो, मेरे बड़े अच्छे दोस्त मिस्टर मोहन। नमस्ते। अशोक से बड़ी तारीफें सुन चुका हूँ आपकी। आपको अपना बनाने के लिए इतने उतवाले हैं कि बस चप मंगनी और पट ब्याह चाहते हैं। अच्छा देखिए, 3 तारीख को मेरी बहन की शादी है, आप अशोक के साथ जरूर आइएगा रूपा देवी। रूपा, यहाँ खड़े क्या बातें कर रही हो? वहाँ चलो, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो अशोक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सामने ये ऐलान करते हुए मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज से मेरी बेटी रूपा और अशोक एक दूसरे की मंगेतर है। कौन है आप लोग? मैं रज्जू बाबू का गुमास्ता हूँ और ये हमारे वकील हैं। रूपा देवी की सगाई हो रही है। इससे आपको क्या? हम रज्जू बाबू की तरफ से उन्हें नोटिस देने आए हैं। कैसा नोटिस? रूपा देवी रज्जू बाबू की ब्याहता पत्नी है, दूसरी शादी नहीं करती। शादी? अरे सरकारी नोटिस फाड़ रहे हैं आप? किसी काबिल है वो? तुम्हारे रज्जू बाबू ने आज तक रूपा की खबर क्यों नहीं ली? कहाँ है वो? अदालत में आ जाएंगे आप सबके सामने। चलो। छुपी है तू? किससे मुंह छुपा रही है? इस बुजदिल समाज से, इसने खोखले रिवाज तोड़ने की हिम्मत नहीं, जो सिर्फ कीचड़ ही उछालना जानते हैं। अगर समाज बुजदिल है तो मैं बुजदिल नहीं, तेरी मंगनी अशोक से होके रहेगी। अशोक तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ कि ये लोग तुम्हारी मंगनी कैसे रोकते हैं। मैं अभी किसी बड़े वकील को फोन करती हूँ।
मुझे खुशी में शरीक होने का मौका तो न दिया, पर तुम्हारे गम में शरीक होने में खुद चली आई हूँ। ऐसे ही मौके पर तो अपने पराये की पहचान होती है डार्लिंग। अच्छा हुआ तुम्हें पहले से ही रुपा के बारे में पता चल गया, वरना जो कहना था कह चुकी। कह तो पहले ही चुकी हूँ, अब तो उस घड़ी का इंतजार है जब तुम मुझसे कहोगे सोनिया तुम मेरी हो। मुझे इस वक्त तनाई की जरूरत है। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है डार्लिंग, ऐसे हालत में मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना कभी पड़ेगी, तुम जा सकती हो। तुम अपने आप को समझते क्या, मेरे चाहने वालों की भी कमी नहीं अशोक। मैं तो तुम्हारे हाल पे हंस नहीं आई थी, तुम्हारी कौन परवाह करता है। ये गरम सांसें, ये जादू भरी नजर, यूरोप की कोई भी लड़की इन दो टुकड़ों पे मर मिटती। यू किंग ऑफ लवर्स, इश्क जताने के 1500 हुनर है तुम्हारे पास, फिर भी हिंदुस्तानी लड़कियां तुम्हारी कदर न कर सकी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सोचा था कम से कम रूपा मेरी मोहब्बत की बारीकियों को पहचानेगी, लेकिन वो भी गवा निकली। आशिकों के राजा, यूरोप लौट चल, लिसन टू मी। जानवर। कौन, मैं? नहीं अशोक, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बताता हूं, मैं तुम्हें बाय बाय करने आया था। गुड बाय। बाय। कुछ हुआ क्या? मालूम था कि नहीं होगा, कैसे हो सकता है, हिंदुस्तानी, इसलिए मैं हमेशा के लिए यूरोप जा रहा हूँ। फ्रेंच रिवेरा, रोम, पेरिस, कुर्ला, कोपेनहेगन। ओह, इतनी सारी जगह जाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। पैसा? बूढ़े बाप को पहला हार्ट अटैक हो चुका है, दूसरा हुआ नहीं कि 80 लाख का इकलौता वारिस। 80 लाख? बाय। Yes? तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? जी हाँ। एक बार फिर से गुड बाय कर ले। ओके, बाय बाय। डार्लिंग, हनीमून कहाँ होगा? अफ्रीका में, शेरों के देश में। जानती हो यहाँ क्यों आए हो? यही कहने के मैंने तुमसे विश्वासघात किया है, तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे जज्बात से खेलती रही हूँ, तुम्हारे मान को ठेस पहुंचाई है मैंने। चुप क्यों? दिल का गुब्बार निकाल लो मुझ पे, जितना भी चाहे बुरा भला कह लो मुझे, संकोच मत करो अशोक। इस वक्त तुम्हारी गालियां भी सही होंगी, पर तुम्हारी खामोशी नहीं सही जाती। कहो अशोक, कहो कि मैं नीच हूं, उल्टा हूं, आवारा हूं। अपने लिए मेरे मुंह से तुम गालियां सुनना चाहते हो? जो कुछ सुनोगी वो तुम्हारी उम्मीद से भी बाहर होगा। सब कुछ सुनने को तैयार हूं। अब भी तुम मेरी जिंदगी हो और हमेशा रहोगी। हाँ रूपा, मेरे मन में तुम्हारा प्यार कभी कम ना होगा। सच मानो, जिंदगी की आखिरी सांस में तुम्हारे प्यार में डूबी रहेगी।
मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद? सिर्फ इतना जानता हूँ मैं कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। जाने क्या कर दिया है तुमने मुझे, इस दिल को मेरा दुश्मन बना दिया है। न तुमसे दूर रह के चैन है, न पास आके चैन है। मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे अशोक? ऐसा ना कहो मेरी जिंदगी, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। नई जिंदगी? चलो। कहाँ? इस कमरे की घूटन से दूर, बहुत दूर। आओ। चलो उतरो। अशोक कहाँ ले आए हो मुझे? उस दिन मोहन ने तुम्हें दावत दी थी ना, उसके बहन की शादी है आज। ना 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 अशोक, वहाँ बहुत से लोग होंगे, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी वहाँ? ये परियों जैसा मुंह लेके जाओगी। ये लो प्रेजेंट, अपनी तरफ से दे देना। ना ना अशोक, मैं वहाँ। वेलकम रूपा जी, आई एम सो ग्लैड यू हैव कम। आइए 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 ना, प्लीज आइए आइए। मोहन जी। पिताजी। चाचा जी नमस्ते। मोहन, अशोक के साथ लड़की क्या वही है? वही? मैंने सुना है तुम एक बेहतर औरत घर में लाने वाले हो। जी हाँ, अपनी पत्नी के रूप में। जो आदमी किसी दूसरे का घर उजाड़कर अपना घर बसाना चाहे, ऐसे आदमी के लिए मेरी बेटी के विवाह मंडप में कोई जगह नहीं। बहुत बेइज्जती हुई तुम्हारी। ये तो शुरुआत है अशोक, न जाने मेरी वजह से और कितनी बार तुम्हें। भूल जाओ आज की बात को रूपा, भूल जाओ। गाड़ी तेज चलाओ अशोक। मगर जाना कहाँ चाहते हो तुम? यही तो पता नहीं कहाँ जाना है मुझे, इसलिए बहुत बहुत तेज जाना चाहती हूँ, बहुत तेज जाना चाहती हूँ। जितनी जल्दी ये सफर खत्म हो जाए अशोक, जितनी जल्दी। सबसे दूर भाग सकता है।
चलो। कहाँ? जहाँ तुम्हारा स्थान है, तुम्हारे पति के पास। अशोक, बचा मुझे, बचा मुझे अशोक। जिसमें इतनी ताकत है जो तुम्हें नसीब के शिकंजे से छुड़ा सके, पति पत्नी का बंधन जन्म जन्म का बंधन है, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। नहीं। चलो। हो जा, आज मैं बहुत बड़े वकील से मिलकर आ रही हूँ। उसने मुझे बताया है कि तुझे तलाक क्यों मिल जाएगा। अरे तू किस सोच में पड़ गई, और क्या चाहिए तुझे? मुझे खुद पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ माँ, कुछ पता नहीं। पगली, तू ये सब मुझ पर छोड़ दे, मैं जानती हूँ क्या तेरे लिए अच्छा है और क्या बुरा। चल जल्दी तैयार हो जा, तुझे रेडियो स्टेशन जाना है ना, अशोक तुझे लेने आया है।
रास्ते मंदिर है तो उस रास्ते धर्म जाए तो किधर जाए, जाए तो किधर जाए। जीवन के दो राहे पे खड़े सोचे हैं हम। Thank you.
रूपा कितनी पागल थी मैं, कितनी पागल थी। रूपा रूपा क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है? उधर देखो, वहां क्या है? वहां देखते नहीं? तुम्हारा साया, उठा के दूर फेंक सकते हो उसे? साये को अलग कर सकते हो अपने आप से? नहीं ना। हाँ, मैं भी कितनी पागल थी। जो साया बचपन से साथ है, उसे अलग करना चाहा था इस मन ने। वो तो जिंदगी भर साथ रहेगा, जिंदगी भर साथ रहेगा। रूपा मेरी बात तो सुनो। कुछ न कहो अशोक, हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे तो अच्छा है। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश न करना, भूल जाओ मुझे। कैसे भूल जाऊं रूपा, कैसे? भुलाना ही पड़ेगा। नहीं भुला सकता रूपा, मरते दम भी मेरे लबों पे तुम्हारा ही नाम रहेगा। ना ना, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। यार मेरी बातें करके मेरे होश आवाज न छीनो मुझसे। तुम खुद ही अपने होश आवाज गंवा बैठे हो रूपा। हम एक दूसरे को भुला दें? मुझ पे तरस खाओ, तरस खाओ मुझ पे अशोक। चली जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ। कहाँ जाऊं रूपा कहाँ? जहाँ कहीं भी जाऊं तुम्हारी याद मेरे साथ जाएगी। सच कहता हूँ मेरी जान। अशोक जानते हो तुम्हारे प्यार भरे बोल मुझसे एक जादू सा कर देते हैं, फिर वैसे बातें क्यों करते हो? मैं पूछती हूँ क्यों? बोलो बोलो, क्या जन्म का बैर है जिसका बदला ले रहे हो तुम? बैर नहीं रूपा, प्यार है मुझे तुमसे। तुम्हारा प्यार मुझे पागल कर देगा, सुना तुमने? पागल कर देगा मुझे। तो तुमने जरा भी शराफत बाकी है तो दूर हो जाओ मेरी नजर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रुके क्यों? जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहां से, निकल कर रही हो।
मैं पूछती हूँ ये सब क्या हो रहा है, ये कपड़े लत्ते क्यों भर रही है? रूपा जवाब क्यों नहीं देती, आखिर तेरा इरादा क्या है? पागल लड़की, ये अचानक तुझे क्या हो जाता है? कहाँ जा रही है तू? बताती क्यों नहीं कहाँ जा रही है तू? तुमसे दूर। क्या कहा? तेरी ये हिम्मत, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। कोई नहीं रोक सकता मुझे, तुम भी नहीं। हमेशा तुम्हारी बताई हुई राह पे चली हूँ, इसलिए आज जिंदगी एक बोझ बन गई है मेरे लिए। अब अपनी राह खुद ढूंढूंगी। कौन सी राह ढूंढेगी तू? इस राह पर मैं तुझे ले जाना चाहती हूँ, वो तरक्की की राह है, औरतों के लिए आजादी की राह है, तेरे भले की राह है। अगर वो मेरे भले की राह है तो आज उस रास्ते पे चल के मुझे चैन क्यों नहीं? अपनी इज्जत के लिए तुमने मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ चोला ही बदल सकी, मेरा मन क्यों नहीं बदल सकी? रूपा, ना मैं इधर की रही ना उधर, आज तुम ही बताओ मैं क्या हूँ, कुंवारी हूँ, ब्याहता हूँ या विधवा? तेरे बचपन का ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल था, उसे भला ब्याह कौन मानता है? समाज मानता है मां, धर्म को साक्षी मान के वो ब्याह हुआ था, समाज उसे जन्म जन्म का बंधन मानता है। रूपा, ये गंवारपन की बात है, तेरे दिमाग में आई कैसे? पढ़ी लिखी होकर भी इन पुराने घिसे हुए रस्म रिवाज के गुनगा रही है तू? अगर हर पुराना रिवाज बुरा है तो शादी ब्याह समाज की सबसे पुरानी रस्म है, उसे क्यों मानती हो? तो कह दो अपनी सोसाइटी से औरतें शादी के बिना ही घर बसा लिया करें, कह सकते हो ये? मेरी जिंदगी बदलने से पहले समाज को बदलो मां, समाज में रह के समाज से बैर नहीं किया जा सकता। संतोष मिलेगा तुझे, शांति मिलेगी।
मन की सारी कामनाएं मिटा के अपने कर्तव्य में खो जा बेटी, इसी में तेरी भलाई है। यही तो समझ में नहीं आता दादी माँ, मेरा कर्तव्य क्या है? मेरे तो अकेले नहीं काम कर, जीवन में सदा बुद्धि के सहारे नहीं जिया जाता बेटी। कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब श्रद्धा का सहारा लेना पड़ता है। तूने शायद आज तक भगवान को मन से नहीं पुकारा, जा पुकार के तो देख एक बार, सच्चे मन से पुकार, तेरी सारी दुविधा मिटा देंगे वो, उसके बाद जो जी चाहे, मन तुझे जिस राह पर ले जाए चली जाए। जा हो तू? मैं रूपा। रूपा, रूपा, बहू, बहुत राह दिखाई तूने,
वर्षों से मेरी ममता तड़प रही थी किसी को कलेजे से लगाने के लिए। मुझे इतना क्यों तड़पाया तूने? बोल। अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। बड़ी आई जाने वाले, कौन जाने देगा तुझे? रज्जू, 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 रज्जू बहू आई है। क्यों तुले हो मुझे मिटाने पे? रूपा सुनो तो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बहुत सुने हैं तुम्हारे टुकड़े, चले जाओ। या नहीं, मेरा प्यार मिट गया तुम्हारे मन से? रज्जू को अपना न्याय हो? अपने पति को अपना न्याय हो? जिसकी थी उसी के पास चली गई हो, चले जाओ। रूपा छोड़ो मुझे, मैं रज्जू हूँ। यकीन दिलाने के लिए माँ को बुलाऊं? पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम ही मेरे सब कुछ हो? मुझे इतना तड़पाया क्यों? मंगनी का स्वांग क्यों रचाया तुमने? मेरे समाज में मुझे कलंकित करके तुम्हें क्या मिला? इतने दिनों मुझे सताते क्यों रहे, छलते क्यों रहे? तुम्हारा रूप बदलने के लिए तुम्हारी अग्नि परीक्षा जरूरी थी। मैं इस हवेली में तुम्हें हमारे कुल की बहू के रूप में लाना चाहता था, जो हमारे संस्कारों को माने, हमारे रीति रिवाज को माने। क्या मेरे प्यार पे तुम्हें भरोसा नहीं था? हाँ, पर तुम्हारा मन जिन संस्कारों को खोखला और बेकार समझता था, मेरे प्यार के लिए उन्हें तुम कहाँ तक चलती? तब मेरा साथ पाके भी इस हवेली में तुम सुखी न रहती, अब रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्यार में जकड़ के यहाँ नहीं लाया हूँ। तुम अपनी मर्जी से आई हो, मन में श्रद्धा लिए, संस्कार में विश्वास लिए। इतनी सदी